कभी कभी, मतलब सब नहीं, हर घर की बात नहीं बता रहा हूँ, कुछ घर ऐसे हैं जो पिता पुत्र में कोई रिश्ता नहीं है। कहते हैं दस कुआं एक कुएं को नहीं भर सकते, और जबकि एक कुआं दस कुएं को भर देगा, और भरता है। एक बाप की संतान पांच हो चाहे दस हो, एक बाप अकेला चाहे कितना भी निबल हो, कितना भी कमजोर हो, पर फिर भी दस संतान को पाल लेगा, खुद नहीं खाएगा पर संतान को खिलाएगा। पर बाहरी संतान बाहरी औलाद तुम्हें आज दे दे। अरे प्रेम नाए पाई पाई, अरे प्रेम नाई भाई भाई, दादा बड़े बड़े परिवार बन गए, देखो लड़ाई में भैया बड़े बड़े परिवार बन गए, देखो लड़ाई में दादाओं। जब छोटे छोटे बालक होते हैं माताओं, तब छोटे छोटे बालक कहते हैं भैया मम्मी तेरी ना है, मम्मी मेरी है, वो जगह ना तेरी ना है, मम्मी मेरी है। और जब भी बड़े हो जाते, जब सियाने हो जाते, मुझे काले काले मुड़ वाली राणे आए एक मामला था, लला तो पहले तो हते, लला पहले तो हते, ब्याह बहुत तब तक लला रहे, और ब्याह के बाद सब मामला ही बदल गया। हिस्सा बरबांट हो, हिस्सा बरबांट हो, अब प्रजगात रहे अम्मा मेरी ना तेई है, मुझे कहा ना अम्मा मेरी ना तेई है, लेकिन ना तेई ना रही ना मेरी रही, अब चलो जाऊ को हिस्सा बरबांट कर दे, आधी आधी कर दे, छह महीना तू रखे छह महीना हम रखे। अरे विधाता बा माँ सनिल, वो माँ नौ महीना उदर में बालक को रखती है, जन्म देती है, सौ बिच्छू सनिल, सौ बिच्छू एक साथ डंक मारे, जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा एक पुत्र को जन्म देने पे होती है। सर्दियों के महीने में बालक जब बिस्तर गीला करता है, इधर से उठा करके माँ इधर लेटा लेती है, इधर जब बिस्तर गीला करता है तो इधर से उठा करके मैया अपनी छाती पर लिटा लेती है। अब औलाद माँ बाप को पानी तक की न पहुंचे तो औलाद का ऐसी औलाद पे मैया अगर बांझ रहे तो सौगती अच्छी है, ऐसी औलाद से माँ अगर बांझ रहे तो सौगती अच्छी है। कलश वाली बेटियां बाहर निकलाओ, मन ना हो मत ले जाइयो, गद्दी पे रुक जाइयो, माधव गाड़ी में डाल ले जाइए, जो मिले आंटी बांटी खेती टपरिया आओ निकलिया निकलिया। पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्ग को ध्यान देना, मैं घर की यहाँ की बात नहीं कर रहे, त्रेता में ध्यान दो, रावण सुग्रीव बाली सुग्रीव दादाजी की तरफ से ये हमारा सम्मान हो रहा है। बाली में ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, कोई बलशाली अगर सामने आया उस पहलवान उस योद्धा की आदि शक्ति आंखों में आंखें अगर डाल करके अगर युद्ध किया तो आदि शक्ति बाली के अंदर प्रवेश हो जाती थी। दस दे दे दादा को, दस दे दे, दस बीस को ले ले। याद रखना मेरे भगवत श्रोता, हुआ क्या, माँ बाप की आस होती है संतान के ऊपर। अरे प्रेम नाए भाई भाई, अरे प्रेम नाए भाई भाई, सीलू बड़े बड़े
वहीं ध्यान दें जहां प्रसंग चल रहा था। महाराज याति को जब जबानी दी है दुर्वस ने, बुढ़ापा लिया है। महाराज याति ने कई वर्षों तक शासन किया। शासन करने के बाद यदु को राजा बनाया और जंगल में चले गए भजन तपस्या करने के लिए। याद रखना, यदु को राजा बनाया हमारा जो यदुवंश जो प्रारंभ